मेरा नाम है अभिमन्यु काक, मेरे साथ है मोनिका मूर्ति, एंड वेलकम टू हैप्पी आवर्स। और मेरी तरफ से आप सबके लिए ढेर सारा प्यार। ओ बस रहने दो, ये प्यार व्यार आजकल का ना मेरे समझ नहीं आता, वाईफाई कनेक्शन की तरह है, कभी भी कहीं भी किसी से भी नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है, कनेक्शन कनेक्ट हो जाता है और कभी भी कनेक्शन उड़ जाता है। हाँ तो उसमें बुराई क्या है? हाँ तो इसमें अच्छाई भी क्या है? अरे प्यार तो होता था पहले के जमाने में। अरे जब आशिक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खत लिखा करते थे, शायरियां लिखा करते थे, आजकल कहाँ ये सब होता है यार। देखो आजकल का टाइम खत का नहीं फटाफट का है, कौन चिट्ठी के लिए वेट करती रहेगी। तभी तो लड़कियां आजकल कमाल कर रही है, आई लव यू लिखती है और सेंड टू ऑल करती है। अरे लैला मजनू हीर रांझा रोमियो जूलियट कहाँ देखने मिलते हैं आजकल। सही बात है भाई, आजकल हीर रांझा वाला प्यार नहीं है। जैसे ही लड़कों को पता चलता है कि लड़की का भाई गुंडा बदमाश है, तुरंत लड़का लड़की को दीदी दीदी बोलना चालू कर देता है। आजकल की आशिकी है ही ऐसी अभिमन्यु, पहले लड़का फेसबुक पे लड़की को रिक्वेस्ट भेजता है, बाद में व्हाट्सएप पे चैट करता है, बाद में कोला बुक करके उसके साथ कैब में डेटिंग करता है, जब लड़ाई हो जाती है तो फेसबुक पे ब्लॉक करके ब्रेकअप कर लेता है। बिल्कुल सही, बट आजकल सब कुछ प्रैक्टिकल है, पहले की तरह नहीं कि लड़की बेचारी घर पे अकेली वेट करती रहती है और लड़का घूमते रहता है। हाँ तो पहले के जमाने में भी शहंशाह ने अपनी बीवी के लिए एक ताज महल बनवाया था, वो क्या प्यार से कम है? मुमताज शहंशाह की चौथी बीवी थी। हाँ तभी तो आदमी शादी के बाद ऑप्शन ढूंढता है कि ये ताजमहल बनाने लायक है भी या नहीं। बिल्कुल, देखो जो भी हो मैं तो चाहती हूँ कि मेरे सपनों का राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आए। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गधा घोड़े पर नहीं बैठता। लेकिन तुम तो बैठे थे। वो मैं नहीं, ये था। सरकार इस बात का पूरा ध्यान रख रही है, जिस प्रकार से पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं ना, तुम्हारा राजकुमार तो क्या पूरी दुनिया ही घोड़े पे बैठ के आएगी। और तो और ऐसी लड़कियां होती हैं जो सपना राजकुमार का देखती हैं, बाद में ऑटो वाले सेट हो जाती हैं। मैं तो बस यही कहूंगा कि महबूबा को दिल के बजाय औकात में रखो, सब ठीक होगा। तुझे तो दूसरी बार कोई सब्जी नहीं देता, तू प्यार की बातें कर रहा है, हैं? तू तो नहा रहा हो, तेरे को कोई तौलिया नहीं देता, तू प्यार की बातें कर रहा है। तू तो मुसीबत में फंसा हो, तेरे को कोई सलाह नहीं देता, तू प्यार की बातें कर रहा है। यार तुम लोगों को और कोई काम नहीं है, तुम लोग मेरे पे ही सब के सब बोलते रहते हो फालतू में, और तुम्हें इंटरव्यू नहीं लेना, तुम लेट नहीं हो रही। तुम टेंशन मत लो, मैं यू गई और यू आई, तुम कंटिन्यू करना। हाँ ओके बाय। मोनिका के लिए तालियां। तो भाई हमारी प्यारी जनता यहाँ पर मौजूद है, इन्हीं से पूछते हैं कि प्यार के बारे में इनके क्या विचार हैं और कितना प्यार इन्होंने जिंदगी में किया है। है कोई मेरे दोस्त यहाँ पे? आपका नाम? मंजू। क्या किया है प्यार में आज तक? फीलिंग उनसे शेयर की जाती है और स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप होती है, फिर प्यार होता है। तो आपका बॉयफ्रेंड है? हाँ। देख लो टीवी पे बोल दिया है हाँ। आधों की उम्मीदें तोड़ दी और जो बेचारा छूटना चाहता था तुमसे उसने उम्मीद छोड़ दी। अभिमन्यु भाई बड़ा अचंभा लग रहा है इस बच्ची को देखकर, खो खो खेलने के टाइम पे प्यार कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी स्माइल बहुत अमेजिंग है, बहुत बहुत शुक्रिया मंजू, थैंक यू जी। कोई और दोस्त मेरे यहाँ पे? आपका शुभ नाम? अभिषेक। अभिषेक क्या कभी ऐसा हुआ है प्यार के लिए तुमने कोई नकली प्रोफाइल बनाया हो ऑनलाइन?
हाँ सर, एक बार एक फेक आईडी बनाई थी। मुझे लग ही रहा था तुम्हारा चेहरा देख के। वेरी गुड। क्या फेक आईडी बनाई थी? सर एक्चुअली एक लड़की पसंद थी बहुत। हाँ। तो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की, उसने एक्सेप्ट नहीं की पहले तो। अच्छा। तो लाइक करता था उसको, फिर बाद में उसने रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट की नहीं, फिर उस फर्जी आईडी बनाई। तब कर ली? नहीं, उसने लड़की के नाम से बनाई ना आईडी भी। मैं ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि उस वक्त पे तुमने क्या नाम रखा लड़की के प्रोफाइल का? चॉकलेट ही नहीं आ रही का। तो असलियत पता लगी उसको? बाद में पता लगी थी। तो हील वाली सैंडल से मारा या फ्लैट से? प्यार से थप्पड़ मारा। प्यार से थप्पड़ मारा, यानी बट गई। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, एक चीज तो यहाँ पर तय है कि प्यार एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन हम अब कुछ ही देर में ये समझेंगे कि आज मोनिका किसका इंटरव्यू करने वाली है। So what are we going to do? Round of applause for Monica. Welcome everyone. आज हमारे शो में एक ऐसे शायर आने वाले हैं जिन्होंने 5000 शायरियां सुनाई है, तो जाहिर है कि हमें भी वो कुछ ना कुछ जरूर सुनाएंगे। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए, मिस्टर बाबूलाल। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके स्टूडियो वालों का, जितने भी टीम यहाँ पर बैठी है, सबका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि जिन्होंने इस नाचीज से कलाकार को यहाँ पर बुलाया। तो आज मतलब वाकई बहुत खुशी हो रही है आपके स्टूडियो में आके। मैडम, माय प्लेजर। जी देखिए, सुना है कि ज्यादातर जो शायर होते हैं उनके बड़े बड़े नाम होते हैं। जी, इलाहाबादी, मुरादाबादी, सुल्तानपुरी, लेकिन आपका जो नाम है बाबूलाल, ये मतलब शायर का नाम तो लगता नहीं है, किसी सरकारी अफसर का नाम लगता है। एक्चुअली ये सब पहले रखे हुए थे सबने, जब मैं पहुंचा खत्म हो गए। तो फिर मैडम मैंने अपना नाम, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ जिंदगी में, मैंने अपना नाम रख लिया बाबूलाल भावुक। भावुक और प्रैक्टिकल का कुछ कनेक्शन नहीं बन रहा? दरअसल जो भी मेरे से लेन देन करता सामने वाला भावुक हो जाता है। आप उर्दू के शायर है राइट? तो ये पंजाबी एक्सेंट कहाँ से? दरअसल मैडम जो मेरे उर्दू के उस्ताद थे ना, वो थे रुस्तमेहन दारा सिंह साहब। तो उस वजह से थोड़ा हो सकता है एक्सेंट। आप शायरी कब से कर रहे हैं? शायरी मैडम देखो, हर आदमी वैसे बचपन से करता है जो भी करता है, लेकिन जॉइंट फैमिली होने के कारण ना थोड़ा स्ट्रगल बड़ा किया है। तुम्हारा काफी बड़ा खानदान है, आधा जेल में है। तो थोड़े बड़े हुए तो मेरा चाचा से ना झगड़ा हो गया जायदाद को लेके, तो मैंने हॉकी मार दी सर पे। तो 4-5 साल में खुद जेल में रहा हूँ। आप शायरी कब से कर रहे हैं? शायरी मैडम वही 10 साल हो गए। आप ये बताइए मुझे, आप किस शख्स से बहुत ज्यादा प्रभावित है? मिस्टर सचिन तेंदुलकर साहब से। उस्ताद कहते हो और सचिन तेंदुलकर, वो तो क्रिकेटर है ना? मैडम क्या आप इंस्पिरेशन कहीं से नहीं मिल सकती, इसमें क्या है? ये बताइए कि आपको शायरी से क्या क्या मिला है? देखिए मैडम, आज मेरे पास 150 पजामे हैं, 3 चार्जर हैं, और वो पान के बाद थूकते हैं ना पीकदान, वो मेरे 5-7 है मेरे पास स्टील के। और मैं बताना चाहूंगा, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है शायरी की वजह से, मेरा पानी का बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है। शायरी और पानी का कोई संबंध ही नहीं है? पता क्या, हिंदुस्तान में शायरों को पैसे तो मिलते नहीं मुशायरों में, खुद बस में किराया लगा के जाना पड़ता है, तो हम लोग फ्रस्ट्रेशन में पानी की बोतलें उठा लाते हैं झोले में तक। आप ये बताइए कि आपने कौन सी शायरी सबसे पहले लिखी? वो इतनी नेकी है ना उसमें, आप यकीन मानो, आप मतलब यकीन नहीं कर पाओगे कि ये इतनी छोटी उम्र का आदमी लिख सकता है। मैं सुनाना चाहूंगा। मैडम माफी चाहता हूँ, भूल गया। इतनी नेक शायरी आप कैसे भूल सकते हैं? डैडी कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, आई लव माई फादर। तो उनकी बातें मैं ना कभी मतलब टालता नहीं मैडम। आपने सबसे पहली जो शायरी है वो कौन से और किस पर लिखी है? मैंने बेंच पे लिखी थी मैडम। बेंच पे मतलब यू नो, कलाकार जो होते हैं ना पढ़ाई में थोड़े नलायक होते हैं, आप भी कलाकार हो पता ही आपको। तो मैं जब स्कूल में जाता था ना तो मुझे पीछे खड़ा कर देते थे, तो लास्ट बेंच पे बैठना पड़ता था यू नो। तो वहाँ टाइम पास करने के लिए मैं लिखता रहता, प्रकार नहीं होती ज्योमेट्री बॉक्स, उससे मैं ऐसे कुरेद कुरेद के मैं लिखता। आज भी आप जाओ वहाँ पर शायरी लिखी मिलेगी। मेरे कहने का मतलब ये था कि आपने कौन से टॉपिक पर लिखा है? लव पे। क्या बात है, तो सुनाइए। किसे? क्योंकि लोग प्यार को समझते हैं ना, डरते हैं, तो मैं कभी डरा नहीं मैडम।
एक सेकंड मैडम, फोन आ रहा है। हेलो बाबूलाल भावुक, पंखे का कंडेंसर तो परसों बदला है। मैडम नया डाला पुराना को डालेगा, 150 रुपये आपने दिया ना, तो मुझे, मैं ईमानदार आदमी ऐसा थोड़ी करूंगा। है आपके पति का कोई क्रीम कर का, क्या क्रीम सूट नहीं मिल रहा, तो मैं चोर हूं मैडम, तो मुझे क्या पता, आप उधर तो देख के भूल गई होंगी उसमें क्या है। एक मिनट, बाद में बात करता हूँ आगे। मैं, मेरा बिजली का काम भी है ना मैडम, वो मैं करता हूँ। कांसन जी थे ना, वो गा के दिए जला देते थे, मैं सेम ट्यूबलाइट जलाता हूँ बटन दबा के। भाई तो मैडम आप मुझे अपना चाटसा नंबर दे दो, तो मैं आपको शायरी भेज दूंगा इंटरनेट से डाउनलोड करके, इफ यू कंफर्टेबल। जी जी, एक सेकंड, फोन आया। पाजी, हाँ जी, बाबूलाल कोरियर्स आज सुबह तक आ जाएगा पाजी, अपने बंदे भेजे हुए हैं। हाँ आ जाएगा पाजी, 150 रुपया दिया। अब क्या है ना, प्यार की बातों को जरा करते हैं साइड पे और आपको दिखाते हैं आज की वायरल वीडियो क्या कहती है, जरा ये देखिए। चल गया, तो भाई ऐसा है, अगर आपके पास कोई बढ़िया सी वायरल वीडियोस है आप वो हमें सेंड कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपने शो हैप्पी आवर्स में उसे चलाएंगे। सेंड करिए हमारे इस पते पर www.happyhours.ozee.com पर। सच्चा प्यार किससे कहते हैं तुम्हें पता है? बिल्कुल पता है सच्चा प्यार क्या होता है। सच्चा प्यार होता है जब किसी के फेसबुक प्रोफाइल पर लिखा होता है इन अ रिलेशनशिप, क्योंकि रोमांटिक स्टेटस तो कोई भी ऐरा गहरा नथु खेरा डाल सकता है। तुम्हें ना कुछ नहीं पता है, सोशल बाबा से पूछेंगे, वो बताएंगे हमें कि सच्चा प्यार क्या होता है। ओके, तुम सोशल बाबा से पूछना, लेकिन मैं पूछूंगा ये मिस ट्रेंडी से। आ रहे हैं वो जिन्हें कहते हैं नेटवर्क का पालनहार, वो जिनकी कृपा हम पे बरसी रहनी चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सोशल बाबा एंड मिस ट्रेंडी का। बाबा जी ऑल क्लियर, अब आप लॉग इन कर सकते हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बाबा जी आप मेरे फूल लेकर आए हो? संभाल के रखो, बाद में किसी को देना है। एक बात बताइए, मुझे पता है कि आपको प्यार के बारे में बहुत कुछ पता है, इसे जरा समझाइए कि प्यार क्या होता है। देखो जिस बात को पूरा स्टैंड अप नहीं बता पाया उसे बाबा क्या बताएंगे। और अब हमें बोर मत करो, वरना हम वायरस भरा श्राप दे देंगे। वहां जाओ और हमारे ज्ञान का आनंद लो। बोलो सोशल बाबा की जय। तो बाबा जी आज का प्रवचन स्टार्ट करते हैं। अवश्य, बताओ भक्तो, कहिए पुत्र। बाबा मैं 25 साल का हूँ। लगते तो नहीं। मुझे एक गर्लफ्रेंड की तलाश है। यही काम करते हो क्या? काम की तलाश में हूँ। तो बेटे किसी बुजुर्ग ने कहा है पहले नौकरी फिर छोकरी। अगर छोकरी से पहले नौकरी ढूंढोगे तो बाबा बनना पड़ेगा। बोलो सोशल बाबा की। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और बाबा मैं किसी भी लड़की को फेसबुक पे प्रपोज करता हूँ तो नेटवर्क चला जाता है। चश्मा लगा के करते हो? जी हाँ। तो सबसे पहले तो बेटा जो सच्चा प्यार होता है ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होता है। क्या बात है। अगर तुम नेटवर्क पे प्यार ढूंढोगे तो तुम्हारे साथ वही होगा कि इंटरनेट पे लड़की पटाई, इंटरनेट पे हो गई सगाई, इंटरनेट पे ही डाइवोर्स हो गया, इसी बहाने कंप्यूटर का कोर्स हो गया। बोलो सोशल बाबा की जय। तो बाबा जी आज के लिए बस इतना ही, अब साइन आउट करने का टाइम हो गया है, पर जाने से पहले आज का विचार। नेटवर्क के अलावा प्यार करने वाले भक्तों, आज हम थोड़ा दूसरे रेंज में जाके बोलेंगे कि दिल दो किसी एक को और दो किसी नेक को, ये कोई बाबा का प्रसाद नहीं जो बांटते रहो हर एक को। और मोनिका जब तक तुम्हें सच्चा दिलदार ना मिले ट्राई करते रहो हर एक को। शुक्र
भगवान का, जिस लड़की को सारी उम्र चाहा, उसकी फ्रेंड के साथ फेसबुक पे मेरी सेटिंग हो गई है। आज मैं उसको प्रपोज कर ही दूंगा। ये क्या हुआ, मेरे कान की मशीन कहाँ रह गई? ऊपर से लड़की के साथ पहली मुलाकात है, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ऊंचा सुनता हूँ। हेलो, नमस्ते सर। वेलकम दिलजली कैफे सर। कैसे हैं सर आप? लगता है सर आप यहाँ पहली बार आए हैं। वुड यू लाइक हैव वाटर सर? यार ये क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, समझने की कोशिश करता हूँ। वुड यू लाइक हैव वाटर सर? नहीं, एसी तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। सर आपका फोन बज रहा है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन सर, हैप्पी। सर आपका फोन बज रहा है। ओ हेलो, मेरी जेब में हाथ क्यों डाल रहा है? सर आपका फोन बज रहा है सर। एक तो मेरी जेब में हाथ डाल रहा है, ऊपर से मेरे साथ ऊंची आवाज में बात कर रहा है। नहीं नहीं, खाया पिलाया कुछ नहीं और जेब में हाथ डाल के पैसे निकाल रहा है। मैनेजर को बुलाओ अपने। सॉरी सर, मेरी बात तो सुन लीजिए सर। उससे बोलो कि वो दिल्ली हो चाहे जहां मर्जी हो, मुझे यही चाहिए वो। कैसे बंदे के पल्ले पड़ गया हूँ, बोल कुछ और रहा, सुन कुछ और रहा है। अबे ओए, उधर मुंह करके मुझे गालियां क्यों दे रहा है? तुझे क्या लगता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा? तेरे जैसे अच्छे अच्छे को मैंने ठीक किया है। सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए सर। चल ठीक है, आगे से ध्यान रखियो। और मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, उसके लिए कॉफी लेके आ। जी सर, जी सर, जी सर। वाओ, नाइस ड्रेस। यार इतना धीरे क्यों बोल रही हो? नहीं मैं ठीक हूँ, तुम बताओ इतनी लेट क्यों आई? क्या बोले जा रहे हो, दिख नहीं रहा मैं गुस्से में हूँ? यार तुम्हारी फेवरेट शर्ट पहन के तो आया हूँ। वो छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा फोन कहाँ पे है? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। कोल्ड कॉफी तो मैंने ऑर्डर भी कर दी। मैं कॉफी की नहीं फोन की बात कर रही हूँ। यार बाहर ट्रैफिक था तो इसमें मेरी थोड़ी कोई गलती है। कौन सा ट्रैफिक, मैं पूछ रही हूँ तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? यार मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मेरा प्रिया के साथ कोई चक्कर नहीं है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी ये बेवकूफी वाली बातों पे मैं हंसूंगी तो तुम्हें गलत लगता है। तुम्हें नहीं यकीन ना? नहीं यकीन, ये लो मेरा फोन, पासवर्ड भी है। यार डार्लिंग रो क्यों रही हो, मैंने तुम्हें बोला ना कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है। अरे पति सर आपकी कॉफी। नहीं चाहिए कॉफी वॉफी। डार्लिंग तुम अपनी बातें उसको क्यों बता रही हो? साहब बातें नहीं बता रही हैं, कॉफी मना कर रही हैं। अच्छा तू बताएगा मुझे इससे क्या बात करनी है? तू कॉफी रख, डार्लिंग चलो कॉफी पीते हैं। जी। मैंने कहा ना मुझे कॉफी नहीं पीनी। बस यही मैं मिस कर रहा था। यस, ये हुई ना बात। अभी तुझे कम सुनाई देता है क्या? मैडम इन्हें कम में थोड़ा और थोड़े में बहुत ज्यादा सुनाई देता है। ओ मैडम, आधे घंटे से चिरकुट मेरा दिमाग खराब कर रहा है। ओ हेलो, कॉफी मैंने मंगाई है ना, तो बिल मैडम क्यों देगी? मैं दूंगा ना बिल। मैडम देखिए चिरकुट की हरकतें देखिए। दफा हो बेहरा कहीं का। ओ हेलो श्रेया, कहाँ जा रही हो तुम? यार तुम्हें मैंने बोला है कि मेरा प्रिया के साथ कोई चक्कर नहीं है। जाती है तो जा, तेरे जैसी 3600 मेरे पीछे फिर रही है। ओ हेलो, इधर आ। जी सर। कभी भी लड़की के साथ चक्कर में नहीं फंसना, नहीं तो वेटर का वेटर ही रहेगा। जी सर, आपकी औकात नहीं समझ में आ गया सर। यस, ये हुई ना बात। जी सर। नौकरी करेगा मेरे घर? सर आपके जैसे मैं नौकर रखता हूँ सर। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है। सुबह 9 बजे आना है, शाम को 6 बजे जाना है। जी सर, सुबह से शाम तक आपको चप्पल मारूंगा सर। पगार की बात टेंशन ना ले, पगार तेरे को टाइम पे मिलेगी। सर मैं जानता हूँ आप गंदी नाली के कीड़े हैं। संडे मैं छुट्टी दूंगा, संडे छुट्टी। संडे को भी जूता मारूंगा सर। ये हुई ना बात, चलो चलते हैं। जी सर, जब आप चाहोगे सर मैं जूता मारता रहूंगा। मैं तेरे को पैसे टाइम पे दिया करूंगा। आपके मुंह से बदबू आती है। अरे दोस्तों, तो यही खत्म होता है हमारा प्यार भरा एपिसोड। हम इसी तरह
थोड़े हटके और थोड़े मजेदार कैरेक्टर्स रोज हमारे शो में लेकर आएंगे, जो आपको हंसाएंगे, जो आपको गुदगुदाएंगे और आपके चेहरे की मुस्कुराहट को कभी जाने नहीं देंगे। फिलहाल समय की होती है समाप्ति, आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम सेम प्लेस इन द सेम शो, जिसका नाम है हैप्पी आवर।